अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू शो। तो गाइस आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग करने जा रहा हूँ। वैसे मेरा आजकल दिल ही नहीं कर रहा था, घर में रहता हूँ तो ब्लॉग करने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा कोई नहीं आज ब्लॉग करते हैं। तो वैसे तो मेरा जहन था कि कल परसों आ रहा है ऑटो शो फैसलाबाद में, तो मैंने कहा था कि वहीं जाके तो वहीं ब्लॉग करेंगे और आपको एक अच्छा सा ब्लॉग दिखाएंगे, इंटरटेनिंग वाला। तो मैंने कहा वो जब आएगा तब करेंगे इंशाल्लाह। आज जो है एक ब्लॉग लाजमी बनाएंगे और जब ऑटो शो आएगा तो तब देखी जाएगी इंशाल्लाह ताला। आज जुमा है तो हफ्ता और इंशाल्लाह इतवार वाले दिन ऑटो शो है। तो हमारा प्रोग्राम तो बना है वैसे कि ऑटो शो पे जाएंगे, तो इतवार वाले दिन पता चलेगा कि क्या हमारा प्रोग्राम होता है, हम जाते हैं कि नहीं जाते। अभी फ़िलहाल जो है मैंने बालों को तेल वगैरह लगाया तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा जड़ रहे थे और जो है खुश्की काफ़ी ज़्यादा, तो डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ऑयल जो है तेल लगा लिया सरसों का, जो मैं छत पे आया था चूज़ों को दाना डालने के लिए, तो वो डाल देते हैं। तो चूज़ों की भी एक कहानी है। तो मैंने पूछा था मुर्गी जो वो खुराक नहीं देते चूज़ों की, ये वाली खुराक, तो उनसे पूछा था मैंने कि अभी तक मुर्गियाँ 8 महीने की हो गई है मेरी, तो अभी तक उन्होंने अंडे देने स्टार्ट नहीं किए। वो कह रहे थे कि इन्हें ना तो डाला कर खुराक ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कहता मैं तो पत्ते वगैरह डालता हूँ, कहता नहीं खुराक ज़्यादा डाला कर ताकि इनके विटामिन वगैरह पूरे हों। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें सिर्फ खुराक डाला करूँ, पत्ते अभी 2-4 दिन नहीं डालूँ और खुराक डालूँ ताकि ये अंडे देने स्टार्ट कर दें। वैसे अंदर मैं दिखा नहीं सकता, अंदर काफ़ी ज़्यादा ना गंद जो है बना हुआ है, तो आपको दिखा नहीं सकता, किसी ने साफ करके पी लगाऊंगा। फिलहाल इनका मैं पानी वगैरह चेंज कर दूँ और इन्हें जो है ये खुराक है वो डाल देता हूँ। एक तो आजकल जो हमारी बिजली ना काफ़ी ज़्यादा जा रही है, तो रोज़ाना के तकरीबन इनका रूटीन बन गई है, सुबह जाती है तकरीबन 8-9 बजे या 10 बजे चली जाती है, फिर आती है जाके 1-2 बजे जब दिल करता है तब आती है, फिर बाद में शाम जो है वो चली जाती है 1 घंटा के लिए। तो इस तरह लोड शेडिंग भी आज काफ़ी हो रही है, आज भी अभी चली गई है, तो जुम्मे की तैयारी भी करनी थी तो अभी लाइट जो है वो चली गई है, देखते हैं घंटे तक आ गई, तो फिर जुम्मे की तैयारी कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं तो वो भी कर लेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि अपनी जो मेरी स्पोर्ट्स बाइक है उसे भी ऑटो शो पर लेके जाऊँ। मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल ऑटो शो था फैसलाबाद में, तब मैंने अपनी बाइक रजिस्टर करवाई थी ऑटो शो में ले जाने के लिए, वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। इस बार मैंने सोचा क्या यार बाइक को लेके जाएँ वहाँ पर डिस्प्ले भी लगा दें तो मज़ा नहीं आएगा, तो हम जाएंगे अपनी गाड़ी में या बाइक में जहाँ पे भी पॉसिबल हो सका वहाँ पे जाके बाइक लगाएंगे पार्किंग में सुकून से, और सुकून से बाद बाहर जाके ऑटो शो रिकॉर्ड करेंगे, इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वो ऑटो शो कैसा है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और अगर आप मेरी रोज़ाना वीडियोज़ देखते हैं लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अगर न्यू है तब भी सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मुझे सपोर्ट करें। यार आप लोगों ने सपोर्ट करना है, आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही हमने आगे बढ़ना है, और मेरी वीडियो कोई तो यार वायरल कर दो यार, यूट्यूब वालों कोई वीडियो तो वायरल करो। इतनी सारी वीडियो बनाई है मैंने, मुल्तान की वीडियोस बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। स्कर्दू टू ट्रिप लगाया अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने चैलेंजेस किए हैं काफ़ी ज़्यादा फनी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, आप मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ फनी भी हैं, अभी तक उन्हें पजीराई नहीं मिली लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ हैं। कमालिया की वीडियोज़ हमने बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो, वो भी नहीं आपने देखी तो वो भी आप जाके देख सकते, इस तरह काफ़ी ज़्यादा वीडियो था, मैं किस किस का नाम लूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस भी पूरी अच्छी आने वाली, जैसे कि मैंने बताया ऑटो शो वाली, तो इस तरह और भी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। जैसा जैसा आप सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे कंटेंट जो है अच्छे से होता जाएगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे, बस सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाइम अभी हो रहा है 12:30, तो अभी तक बिजली तो आई नहीं है, तो मैंने कहा उतनी देर जो कंप्यूटर है चेक करें कितना मिट्टो मिट्टी हुआ पड़ा है, तो इसकी सफाई कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल जालाई वगैरह लगे तो ये सारी, तो ये डस्टिंग थोड़ी सी कर दूँ, सफाई हो गई है कितना साफ़ सुथरा हो गया, तो अभी टाइम जो हो गया तकरीबन 1:00 नहीं 1:45 हो गया, तो अभी तक बिजली नहीं आई, कपड़े मेरे इस्त्री करने वाले रहते हैं, आगे बिजली आ गई तो कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, अभी तकरीबन 1:45 ही हुआ तो अभी बिजली आई है तो कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, तो जल्दी 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 कपड़े वगैरह चेंज कर लिए नहा के, तो अभी चलते हैं जुमा पर के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमा पढ़ के घर आ गया, अभी चलते हैं बता रहे, एक तो नवी भाई की पानी वाली कैन लग के आ रही है और साथ में चूज़ों की खुराक भी ले आऊँगा। जुमा वाला दिन पता नहीं दिखाने खुले होंगे कि नहीं खुले होंगे, तो अभी देख लेते हैं नवी भाई आ जाए। नहीं तो हंस के हो रहा देख देख के की मसला की है, हंस के रहा है बात कर ला दे तो क्यों हंस रहा, चल उधर जाना बाजार वाला खुराक लेनी, बाजार वाले कट चूजे वाली खुराक लेनी,
यहाँ पे सारी दुकानें बंद है, लेकिन यहाँ पे मार्केट है चूजों की, कुकड़ों की और जो भी कहने परिंदों की मार्केट, यहाँ से पता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फीड है कि फीड अंडे वाली दे रही है 200 दी कर दी। ये भी मुर्गियाँ, ये भी मुर्गा एक, और ये भी एक जोड़ी पड़ी है, एक इधर पड़ा है इधर। ये चेक करे कौन सा परिंदा है, तोते फाख्ता, अंदर सारे तोते ही तोते। आ जोड़ी किन्ने दी, 3000 दी। आली चिड़ी केड़ी है यार, हैं डब डब बर्ड। एक किन्ने दी है, 2000 दी। एक के जोड़ा जोड़ा 2000 दा। ते दूजी मुर्गी हुंदी है जिहड़ी ओह फैंसी जी, ओह फिरन दी नहीं, ये तो दूजी है ना, ओह फुल सिल्की है। ते ओह किन्ने दी है, तेनों नहीं पता, तुसी नहीं भेजदे? हाँ चल अल्लाह यार। खुराक वगैरह ले लिया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे परिंदे हैं और चूजे वगैरह थे। दिल तो करता है उनको लेने का, लेकिन है ना कभी इंशाल्लाह लेंगे घर में, पिंजरा वगैरह बना के ना फिर रखेंगे। अभी भी लाल खुराक वगैरह ले लिए, अभी जाते हैं घर। एक बड़ी मशहूर मिसाल है कुएं का मेंढक, तो उसकी आज मैं आपको मिसाल को आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो मिसाल कैसी होती है। तो बड़े दिनों से मेरे सामने थी ये मिसाल, तो मैंने कहा आपको दूंगा, तो आज फाइनली आपको दिखाते हैं। तो ये मेरी मुर्गी है ना, तो ये इनकी ये पिंजरा है जहाँ पे ये रहते हैं, तो ये खुला हुआ अभी फ़िलहाल, तो अभी तो मैंने खुराक वगैरह इन्हें डाली हुई है, तो थोड़ी देर बाद ये बाहर आएंगे, तो फिर मैं आपको समझाऊँगा अच्छी तरह से। तो इनका पहले तो ये पहले बाहर ही निकलते थे क्योंकि ये अंदर ही रहे थे, अब मैंने काफ़ी दिनों से ये खोना स्टार्ट किया है तो ये बाहर आते हैं। या तो इन्होंने उधर चले जाना है, या फिर हद यहाँ तक आएंगे, या ज़्यादा हद होगी तो मैं उन्हें थोड़ा सा धक्का लगा के इधर तक ले के आ जाऊँगा। बाकी छत जो है ना सारी खुली पड़ी है, तो वो कहीं भी नहीं जाते। अभी आपको ना दिखाते हैं थोड़ी देर तक वो बाहर निकलते हैं ना, तो फिर दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा बाहर निकले। ये मिसाल सब पे लागू होती है, चाहे वो शेर है, चाहे वो जो भी जंगली जानवर जो भी होगा, जब वो कैद में आ जाएगा, तो अगर वो मुसलसल कैद में रहा और उसके बाद उसे आज़ादी मिली, तो उसे आज़ादी में वो जी नहीं सकेगा, वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह शायद हमारा भी यही हाल है कि हमने काफ़ी अर्सा जो है ग़ुलामी काटी है, तो अभी हम आज़ाद ही हुए हैं, तो आज़ाद भी क्या हुए हैं, तो इसी तरह के ही हैं। तो जो हालात अभी हमारे मुल्क के चले हैं, बाकी अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे और हम पे भी रहम करे और हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे। तो ये बस मेरे जहन में काफ़ी दिनों से मिसाल आ रही थी, मैंने कहा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देंगे। खैर बाहर निकाल के तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। ये मैंने बंद कर दिया इनका, अभी देखना अभी इन्हें यहाँ से निकालते हैं क्योंकि यहाँ तो इनको सब कुछ पता है। अभी ये ढूंढेगा अपना घर, घर किधर गया, घर किधर गया, घर किधर गया। अभी इन्होंने नहीं आना आगे, आगे मैंने जोर लगाना है, ये चेक करें वापस जा रहे हैं कि हमारा घर किधर है। लेकिन नहीं, मैंने आपको आज पूरी छत घुमानी है भाई, पूरी छत आपको घुमानी। चलो 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 शाबाश शाबाश, अगे अगे चल, किधर जा रहे हैं? अभी मैंने साइड पर कैमरा सेट कर दूँगी, आप चलो 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 चलो। तो इस तरह ये वापस जो है वो भाग गए अपने पिंजरे की तरफ। अभी वो वहां पे देख रहे हैं ये दरवाजा बंद है, कहाँ गया, अभी आपको वो दिखाता हूँ। ये चेक करें, अभी यहाँ पे आके खड़े हो गए कि दरवाजा बंद है, हमने तो अंदर जाना था। अभी नहीं, दरवाजा खोल देते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते इनको। चलो भाई चलो चलो, खोल दिया दरवाजा, खोल दिया। तो अभी घर जाएंगे, तसली होगी, चेक कर। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो फाइनली आपको दिखा दी है। अगर अभी भी आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर भी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी